So check the exit 32, 23, and this is the Dairi Road, and this is the left side in the Malik Fahad, and cross the Kubri. So this is the Dirab Road, and I am right go right side in Dairi. So check the line and please check the views. Thank you so much, and please support my house Taka Tak Vlog, and this is the my channel and Taka Tak Vlog. Okay, so I will check you are check my Facebook ID Saeed Jatt, and this video also available in Facebook. Thank you so much. Wow, this is a beautiful place. Thank you so much. This is Dairi, okay? This is exit 24. Thank you so much. I will be visiting Dairi in exit 28. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you so much. I love you. And beautiful people in my life, in my house, in my channel, in my anyway, thank you. अभी तकरीबन शाम हो गई है, तकरीबन 7:15 बजे. ये है डायरी एग्जिट 24. अभी मैंने छोड़ दिया, अभी मैं इसमें इंटर हो गया हूँ 25 नंबर पे, 25 पे. ठीक है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ मेरे फेसबुक आईडी पे भी चेक करो प्लीज़, सईद जट नाम पे. ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. उसमें भी आपको जो है ना ये रोड के ऊपर जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे, ज़्यादातर मेरे वीडियो जो है वो रोड के ऊपर ही होता है, यानी रोड चेकअप, यानी एक्सपोज रोड. एनीवे ओके, थैंक यू सो मच. बी सेफ, बी केयरफुल. ओके, एनीबॉडी बी केयरफुल. थैंक यू. अभी शाम के 7:15 बज गए, तो इतना रश नहीं है, वरना बाकी जब आप लेट आओगे या जुम्मे के, आज जुम्मा है, कल जुम्मा है, जुमेरात जुमेरात है, तो कल जुम्मा है. इस टाइम इस रोड पे इतना रश होता है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 28 नंबर पे जा रहा हूँ, तो इतना रश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी. तो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह नहीं होगा रश. अभी मलिक फहद पे मैं जब लेफ्ट साइड में मैंने छोड़ा, मलिक फहद तरीक मलिक फहद, तो उसमें इतना रश था कि अभी से जाम था, तो इसलिए मैं ये इसी रास्ते से आ रहा हूँ. अंदर से भी आ सकता था तरीक शराग मदीना पे, लेकिन उसमें इशारे बहुत आते हैं और कैमरे भी आजकल बहुत लगे हुए हैं, तो ये सीधा जो है ना जो आप इशारों में खड़े होते हैं आपका टाइम ज़ाया होता है, तो इससे बेहतर है कि आप सीधा रोड पकड़ो और निकलो, तो ये बेस्ट है. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और एक और बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज इमरान खान को गोली लगी है, अल्लाह उसको सेहत दे. ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए. जिन लोगों ने भी किया है गलत किया है. इमरान खान साहब बहुत अच्छा आदमी है और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, और वो जो मार्च कर रहे हैं वो इतना वो नहीं है जो दूसरे लोग करते हैं, जैसे मौलाना साहब हो गया या दूसरे लोग हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अमन चाहता है, अमन के लिए वो निकला है. तो प्लीज़ इमरान खान साहब को सपोर्ट करें. इमरान खान साहब जो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, तो तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, हर जगह घूमा है, हर मुल्क कंट्री हर जगह घूमा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई. आप लोग जो है ना पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो जी. जिसने भी ये हरकत किया है, मेरे ख्याल में नहीं, सबके यही ख्याल होगा कि बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, तो वो नहीं करना चाहिए. अगर आप उसको उसके साथ गुस्सा है आपका, या कोई और प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के पार्टीज या वर्कर्स जिसके साथ भी, तो आप उनको सपोर्ट मत करो, वोट ही मत दो, लेकिन ऐसा कदम उठाना ये जो है ना गद्दारी है मुल्क के साथ और अपने कौम के साथ, क्योंकि वो जो यंग जनरेशन है उनके साथ है. तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा मत करें, प्लीज़ मेहरबानी. मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसा कदम कभी मत उठाना. इमरान खान साहब बहुत
अच्छा आदमी है, और यानी कि इनमें कौन सा इतना पढ़ा लिखा है जो आ रहे हैं, यानी कि जो जरदारी है या बिलावल है या ये सब जो है ना खानदानी लोग आ रहे हैं, बस इनको जो है ना हुकूमत मिलती रहती है और हम हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत है सारे। तो इमरान खान साहब जो है ना वो अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारग है और हर जगह घूमा है, क्रिकेट खेला है, सब लोगों से वाकिफ़ है कि ऐसा ऐसा है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा कभी मत करना, ऐसा कदम कभी मत उठाना। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको उम्र दे, अल्लाह ताला उसके सारे मसले मसाइल हल करे और पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर दे। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान या कोई भी अच्छा लीडर हो पाकिस्तान का जो ऐसा भी जो है ना बेड़ा गर्क है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे ले जाएं। बस एक तो मुझे यही शिकायत है कि जो इतने जो जिधर इतने कंपनी है ना सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, कहीं पर भी, तो मैं ये सफारे वालों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ इसी वीडियो के थ्रू, प्लीज़ इसको शेयर करें, इस वीडियो को प्लीज़ इसलिए शेयर करें कि उनको पता चले कि हर जगह पे, हर दुकान पे, हर शिरके में, हर मकतब में, हर ऑफिस में, हर जगह पे बंगाली इंडियन आपको नज़र आएगा पल पीएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अच्छा करना है तो प्लीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो सफारे में लोग हराम खाते हैं ना, इतने बड़े बड़े पेट बाहर निकले हुए हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपसे मुलाकात करें कंपनी वाले जितने भी हैं, तो प्लीज़ उसको बोले कि अगर आपने 40% या 50% लोग रखने हैं तो उसमें कम से कम 3-4% तो पाकिस्तानी रखना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं दुकान पे जाओ, कहीं दुकान बंगाली और आपको नज़र आएगा इंडियन, वो फिलिपिनी, इंडोनेशियन नज़र आएगा, पाकिस्तानी नहीं आएगा। क्यों भाई क्यों? उनका मईशत इसलिए ऊपर जा रहे हैं कि उनका सोर्सेज जो है ना बाहर से आ रहे हैं। भाई ये जहन में रखे भाई कि ठीक है पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, तनख्वाह पे नहीं करते, लेकिन जो उधर लोग हैं उनको फ्री में ले आया करो ना। जो दुकानों के वीज़े हैं, जो मकतब के, जो कंपनी ममनी हुई, जो उधर ठेकेदार बैठे हुए हैं ना सारे, ये मकतब वाले, ये जो वीज़े लगाते हैं, जो पाकिस्तान में लोगों से 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये लेते हैं, भाई वीज़े थोड़े सस्ते करो और जो है ना लोगों को बुलाओ इधर सऊदीया में, दुबई में, कतर में, कहीं पर भी। भाई ऐसा नहीं होता है, ये लोग जो है ना पाकिस्तान में अभी बहुत गुर्बत है, वो लोग जो है ना बहुत मुश्किल में हैं, तो उनको सपोर्ट करो भाई। जो आप लोग हर जगह पे आपको नज़र आएगा, बस यही 3-4 मुल्क, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है, पाकिस्तान का आदमी का नाम ही नहीं है, तो ये गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी है सफारे के थ्रू या किसी भी, उनसे बात करना चाहिए, कम से कम 3-4% 5% तो पाकिस्तानी रखनी चाहिए ना। अभी तो मुझे हर जगह पे जो है ना ये लोग आ रहे नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे मैं घूमता रहता हूँ ना, आप मेरे चैनल को देखते हो, आप चेक करो ना, हर जगह पे मैं घूमता हूँ, मुझे नज़र आता है कि ये क्या है भाई, पाकिस्तानी को कोई कंपनी में भी नज़र नहीं आ रही। ड्राइवर तो कम से कम रखना चाहिए, अभी बलदिया को देखो, ठीक है उसकी तनख्वाहें कम है, लेकिन बुलाओ भाई ड्राइवर में बुलाओ, किसी और जॉब में बुलाओ। ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग बस, मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके जो ऐसा मत करें, जो जितने भी लोग हैं। तो अभी मैं इधर से एग्जिट हो जाऊँगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है प्लीज़, ओके। तो आगे लोगों के साथ भी शेयर करो, मैं अभी नया यूट्यूब खोला है तो इसलिए थोड़ा इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह तो यूट्यूब भी आगे जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार भी मिलेगा मुझे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव सपोर्ट माई चैनल, सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच। अभी मैं एग्ज़िट हो गया हूँ, अभी मैंने फुल राइट लेना है, तो इंशाल्लाह ये रोड थोड़ा सा जो है ना ये है कच्चा वच्चा है, लेकिन चलो अभी मोबाइल मैंने अभी स्विच बोर्ड के ऊपर रखा है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मैं ये वीडियो 10 मिनट तक बनाऊँ, बस उसके बाद बंद कर दूँ। अभी 10 मिनट हो गए तो
चलो एक दो मिनट और आगे इशारे में मैंने राइट होना है तो मैं उधर बंद कर दूंगा। फिर बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट का, ये चेक कर लो ना अच्छे सफाई है माशाल्लाह। और ये सऊदी अरब है ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोड बना रहे हैं ये लोग माशाल्लाह, सफाई बहुत है इधर सऊदीया में माशाल्लाह, क्योंकि ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते सफाई के थ्रू। आए जब जितने भी रोड है ना सारे साफ़ सुथरे, सुबह ये बेचारे सफाई वाले निकलते हैं ना तो वो माशाल्लाह सफाई रखते हैं। रोड थोड़े ख़राब है लेकिन सफाई है माशाल्लाह, रोड भी सही है माशाल्लाह। अभी काम हो रही है, मेट्रो जब चालू हो जाएगा ना इंशाल्लाह तो फिर आसानी रहेगी। आसानी किस लिए रहेगी कि अभी रोड सारे बंद किए हुए हैं, इधर काम हो रहे हैं उधर काम हो रहे हैं पीछे आगे सब तो काम हो रहे हैं ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना माशाल्लाह तो बहुत ज़बरदस्त लुक होगा बिल्कुल माशाल्लाह। अभी ये जो है ना लेफ्ट साइड में है ना, ये बहुत बड़ा महत्ता है, रिफम स्टेशन है ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन दूर से, नज़दीक से नहीं, क्योंकि ये सारा रोड बंद है और मुझे जाना है राइट साइड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना ये ऊपर जो नज़र आ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सबसे बड़ा स्टेशन है ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये देखो ये ऊपर, ये 28 नंबर पे वो सबसे बड़ा स्टेशन है ठीक है। तो ये देखो ये अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों को दिखा दिया। ये 28 नंबर में आप एग्ज़िट से डायरी से एग्ज़िट हो जाओगे ना तो फिर ये आता है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं, मैं इधर से थोड़ा होटल पे आया हूं, थोड़ा सामान लेना है होटल से और खाना पीना लेना है और फिर वापस जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी तक मैं पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद के पीछे एक है। तो अभी मैं वीडियो बंद कर दूंगा ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, मैंने अभी गाड़ी से उतरना है, गाड़ी में पार्क करूँगा ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। लाइट बहुत ज़्यादा है तो वीडियो साफ नहीं आएगी ना, तो चलो फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए वीडियो बनाई ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। प्लीज़ चेक माई हाउस, ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आई एम सईद जट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।